झारखंड के दुमका जिले में अंकिता हत्याकांड के बाद एक बार फिर से मारुति कुमारी नाम की युवती को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। बेहतर इलाज के लिए मारुति कुमारी को रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी राजेश कुमार राउत को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि दुमका के जरमुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत भलकी पंचायत के भरतपुर गांव में बीती रात प्रेमी ने प्रेमिका को पेट्रोल छिड़क कर जला दिया था। प्रेमिका जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी। उसे दुमका के ही फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया। भलकी गांव की रहने वाली मारुति कुमारी को उसके शादीशुदा प्रेमी राजेश राउत ने ही बीती रात पेट्रोल डालकर जला दिया। आरोपी राजेश राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी के अनुसार आरोपी राजेश रावत शादीशुदा है और जबरन मारुति से शादी रचाने के फिराक में था, जबकि लड़की की शादी कहीं और ही तय हो चुकी थी। बता दें कि पीड़िता मारुति ने शुक्रवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। फिलहाल मामले में आरोपी को पोस्को एक्ट के अलावा हत्या से जुड़े तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये जो घटना है इसके लिए तो कोई एसओपी बन ही नहीं सकता है। कोई शादीशुदा मर्द वहाँ का रहने वाला रामगढ़ जिला का रामगढ़ थाना का है, और जरमुंडी थाना में जाकर ननिहाल में जा रही उस लड़की के साथ मेला में भेंट हो, पहले से जमकर तो उसके साथ उस तरह की घटना घटे, इसके लिए तो प्रिकॉशन लेना के लिए इसके लिए ये जन जागरण अभियान चलाना चाहिए। दोनों में अब इनके अनुसार बताया कि पहले से हाथ जान पहचान थी दोनों के दोनों संबंध था। मोसेरा भाई जान पहचान करवाया था। अभिजीत का जहाँ घर है वहाँ पर पीड़िता की मौसी का घर है। अब तो ये जान पहचान थी कि क्या इसमें ये तो बता रहे हैं ना, ये ना बता रहा है इसमें लोगों के द्वारा बता रहा है कि हाँ जान पहचान थी, और क्या था क्या नहीं था इसे जांच के दौरान आएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।